हेलो फ्रेंड्स, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इक्विटी फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्ट फंड के बारे में कि डेप्ट फंड क्या होता है। डेप्ट फंड को एक सिक्योर फंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो इन्वेस्टर से पैसा बोरो करती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के साथ उनको वो पैसा वापस करती है, इसीलिए इसको सिक्योर फंड भी कहते हैं। पर इसमें ग्रोथ भी उस हिसाब से कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी फंड। तो डेप्ट फंड को भी फर्दर चार कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया आपका गिल्ट फंड, दूसरा हो गया जंग बॉन्ड स्कीम्स, तीसरा हो गया आपका फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स और चौथा है आपका लिक्विड स्कीम्स। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, गिल्ट फंड से। गिल्ट फंड जो है दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द टेन्योर। ये सेफ और सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जिनमें जो है जो भी गवर्नमेंट के थ्रू इशू होती है उनमें ही पैसा लगाया जाता है। तो इसमें रिस्क जो होता है वो एक तरीके से जीरो होता है और जो रिटर्न होते हैं वो भी इन कंपेरिजन कम होते हैं। अब सेकेंड की बात करें, जंक बॉन्ड स्कीम्स, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें जो भी पैसा लगाया जाता है वो जंक कंपनीज में लगाया जाता है, तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं पर उस हिसाब से रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान, तो नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड इसमें पर्टिकुलर टेन्योर होता है, फॉर एग्जांपल 3 ईयर, तो उस टाइम पीरियड के बाद ही आपको जो भी रिटर्न है वो मिलेगा। इसमें ज़्यादातर पैसा जो लगाया जाता है वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, उसमें लगाया जाता है। रिटर्न जो है वो इन कंपेरिजन कम होते हैं पर FD से तो ज़्यादा ही रिटर्न्स मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लिक्विड फंड, तो लिक्विड फंड नाम से पता चल रहा है कि आप जब चाहें तब इसमें से पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है, जो कि इन्वेस्टर से शॉर्ट टाइम के लिए पैसा उधार लेते हैं। इसमें जो पैसा लगता है ज़्यादातर ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, टर्म डिपॉजिट्स हो गए, इसमें लगाया जाता है। ये लेस रिस्की होते हैं और लेस वॉलेटाइल होते हैं। और इसमें अगर रिटर्न्स की बात करें तो आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ही इंटरेस्ट आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और जाहिर सी बात है लिक्विड फंड है तो मनी कभी भी इसमें से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको डेप्ट फंड क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड की। मैं एक वीडियो में एक ही फंड लेकर चल रही हूँ ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉच पॉच ना हो, और आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है, जो भी डेप्ट फंड के फर्दर क्लासिफिकेशन बताए हैं, वो समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके के और भी जो भी वीडियो लाऊं उन्हें आप देख पाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।